ग्रेटर नोएडा 14 अगस्त 2024 ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रेटर नोएडा द्वारा आजादी के 78 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर व उमंग के साथ मनाया गया। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार द्वारा संचालित हर घर तिरंगा अभियान को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रुप केंद्र ग्रेटर नोएडा द्वारा भी इसे पूरे जोश के साथ मनाया गया। इस अभियान को सकारात्मक रूप देते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के VIP विंग के महानिरीक्षक श्री K.M. यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसकी पहल की। ग्रुप केंद्र ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त रेंज नोएडा 221 व 235 बटालियन में पदस्थ अधिकारियों व कार्मिकों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगे से सुसज्जित मोटरसाइकिलों का ये काफिला शौर्य चौक ग्रुप केंद्र ग्रेटर नोएडा से प्रारंभ कर दादरी रोड, सूरजपुर चौराहा, क्राउन प्लाजा होटल, मलकपुर गांव, ITBP चौराहा से गुजरता हुआ अपने गंतव्य स्थल लखनावली पहुंचा, जहां उस क्षेत्र KMLC श्री चंद्र शर्मा एवं ग्राम प्रधान द्वारा श्री K.M. यादव महानिरीक्षक VS विन का स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही महानिरीक्षक ने लखनावली गाँव के ग्राम प्रधान को राष्ट्रीय ध्वज सुपुर्द कर देशभक्ति से ओतप्रोत की भावना जागृत की। इस अवसर पर श्री K.M. यादव महानिरीक्षक एवं श्री चंद्र शर्मा MLC द्वारा तिरंगे के महत्व के विषय में बताया गया। तिरंगे के साथ अनुशासित भाव से वर्दीधारियों ने इस अभियान के महत्व को आमजनों के बीच साझा किया, जो कि निस्संदेह एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। आम नागरिकों के बीच तिरंगे के साथ हमारे रिश्ते तथा व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी बताया गया। इस अभियान के अंतर्गत देश के हर एक नागरिक को अपने घरों पर गर्व से भारतीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया, ताकि देशभक्ति की भावना उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। इस विशेष अभियान में श्री अशोक साम्याल ग्रुप केंद्र ग्रेटर नोएडा, श्री M. दिनाकरन उप महानिरीक्षक रेंज नोएडा, श्री मनोज ध्यानी कमांडेंट 235 बटालियन भी शामिल थे।